आज हम आपको ये बताते हैं, वही फोर्सेस आप हैं, वही स्पिरिचुअल फोर्सेस, वही स्ट्रेंथ, वही ट्रेडिशन, वही ऑनर, वही डिग्निटी सब आपके पास है। योर्स फॉर द टेकिंग। कौन है मत करता? फिर जब फॉर्म को ये बता दिया जाए कि ये फोर्सेस तुम्हारे साथ हैं, फिर इज नथिंग इम्पॉसिबल। इसी बात में दुनिया के हिस्टोरिक परस्पेक्टिव में एक मिरेकल है पाकिस्तान का बन जाना, कायम हो जाना। इट वॉज नॉट पॉसिबल दैट पाकिस्तान वुड बी क्रिएटेड। देयर वर नो मिलिट्री फोर्सेस वी हैड, नो इकोनॉमी, नथिंग। एक इश्क, एक जुनून, एक दीवानगी, एक बिलीफ, इट हैज टू बी डन, इट कैन बी डन, मस्ट बी डन। वरना हिंदुस्तान से मुसलमानों का वजूद मिटा दिया जाता जिस तरह दुरुसिया से मिटा दिया गया। आज जो लोग कहते हैं पाकिस्तान गलत बन गया, नहीं बनना चाहिए था, साथ रहते मिलके एक बड़ा मुल्क बन जाता, पाकिस्तान को बनने की क्या जरूरत थी? देयर आर आइदर फूल्स और ट्रेटर्स। हाँ ठीक है, आज इंडियन हमसे कहते हैं कि दोबारा मिल जाना चाहिए, बड़ा मुल्क बन जाना चाहिए, इत्तेहाद होगा, मोहब्बत होगी। ठीक है, वी एग्री, बड़ा मुल्क बन जाना चाहिए, सिर्फ एक शर्त हमारी है, जो बड़ा मुल्क बनेगा उसका नाम पाकिस्तान रखा जाएगा। एट दैट टाइम जब कायदे आजम ने यह कहा था कि मुझे अगर एक माचिस के डब्बे में भी पाकिस्तान मिल जाए तो मैं ले लूंगा, इसलिए कि ज्योग्राफी डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द आइडियोलॉजी। कायदे आजम ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान उस वक्त बन गया था जब हिंदुस्तान में पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। देखिए, पाकिस्तान दुनिया में मदीने के बाद दूसरा इस्लामी नजरियाती मुल्क तसव्वुर किया जाता है, और हम हैं। जब पाकिस्तान का क़याम वजूद में आया तो ये 1400 साल के बाद मदीने की सुन्नत रिवाइज हुई, और पाकिस्तान का बन जाना भी कुदरत और फितरत के बड़े राजों में से एक राज है। एक मकसद है इसको बनाने का। अल्लामा इकबाल का उर्दू और फारसी में शायरी करना भी राजों में से एक राज है कि अल्लाह ताला ने अब सबक फिर पर सदाकत का, शुजात का, अदालत का, और लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का, ये नसीब आप लोगों का रखा होगा। जस्ट हैव दिस फेथ, इट्स फॉर यू, इसको जाया नहीं कीजिएगा। हम आज ज्यादा बातें करने नहीं, आपसे सवाल लेने, आपसे इतने, आपसे सब कुछ रिस्क को शेयर करने के लिए आए। हम अपनी गुफ्तगू को यहां रोकेंगे, मगर उसका सिलसिला सब शुरू होगा जब सवाल आपकी तरफ से आएंगे। इस पाकिस्तान से कभी, इसके बारे में कभी शक नहीं कीजिएगा, नेवर डाउट दिस कंट्री। आज के दौर में यह फैसला करना कि अल्लाह किसको इज्जत देगा और किसको जिल्लत देगा, वो इस बात पर मुनसिर है कि कौन पाकिस्तान को इज्जत देगा और कौन पाकिस्तान से ख्याल रखेगा। सो डोंट बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज सम डेस्टिनीज आर रिटन, सम डेस्टिनीज यू हैव टू क्रिएट योर सेल्फ। जब खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रजा क्या, व्हाट डू यू वांट, जैसे हमारे बुजुर्गों ने 23 मार्च 1940 को अल्लाह को बता दिया था, वी हैव ऑल कलेक्टिवली डिसाइडेड कि हम पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। अल्लाह के आगे जब फाइल गई पाकिस्तान रेजोल्यूशन की, ही स्माइल्ड एंड स्टैम्प्ड एंड वी मेड पाकिस्तान इन 7 ईयर्स। लेट्स जॉइन हैंड्स टुगेदर, इस पाकिस्तान की तकदीर को भी हमने आसमानों पर लेकर जाना है। कितना शानदार पोटेंशियल है इस पाकिस्तान का। 1948 में इसराइली डेविड बिन गोरियान ने कहा था, ये इसराइल का फाउंडिंग फादर, क्योंकि इसराइल भी अपने आप को नजरियाती रियासत कहता, उसने अपनी कौम को नसीहत की थी, अरबों से हमें कोई खतरा नहीं है, हमें खतरा पाकिस्तानियों से है। नेवर टेक पाकिस्तानी कैजुअली, जो मर्जी तरीका तुम्हारे हाथ में आए पाकिस्तान को तबाह करना है, क्योंकि अगर पाकिस्तान बच गया तो इसराइल तबाह हो जाएगा। आपके दुश्मन आपके पोटेंशियल को जानते हैं, कभी इस गलतफहमी में ना रहिएगा कि इसराइल हमारा दोस्त हो सकता है या हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। हम यहां पर अब आपसे सवाल करते हैं। बहुत शुक्रिया जैसा।